हिंदी सिनेमा में भेड़ चाल का चलन रहा है, ट्रेंड पर ही बॉलीवुड काम करता है। जब एक्शन फिल्मों का दौर था तो धड़ल्ले से एक्शन फिल्में बनी, फिर रोमांटिक फिल्मों का दौर आया तो सब रोमांटिक फिल्में बनाने में लग गए। सेम यही होता है म्यूजिक में भी। फॉर एग्जाम्पल, 90s एक ऐसा दौर था जब रोमांटिक और सैड सॉन्ग्स का खूब चलन था, जिसमें नदीम श्रवण और कुमार शानू की जोड़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक समय था मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार आज के तीन खान्स की तरह सिंगर के तौर पर इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। बाकी साइड बाय साइड शैलेंद्र, महेंद्र कपूर जैसे काबिल सिंगर भी अपने गानों से अपनी गायकी की छाप छोड़ रहे थे। इसी प्रकार से दौर बदलता है, फिर कुछ सिंगर्स आते हैं जो टॉप पर रहते हैं, लेकिन साइड बाय साइड कुछ और अच्छे सिंगर्स अपना काम करते रहते हैं, कुछ हिट नंबर्स देते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उन्हें नहीं मिल पाता। और जैसा कि मैंने बताया, बॉलीवुड ट्रेंडिंग पर चलता है। किशोर कुमार का दौर था तो सबसे ज़्यादा गाने प्रोड्यूसर्स उन्हीं से गवाते थे। कुमार शानू का दौर आया तो उनको गायकी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और कुमार शानू का दौर तो आप सब जानते ही हैं, उनके आगे तो कोई टिक ही नहीं पाया था। हालांकि उदित नारायण, अभिजीत और सोनू निगम लगातार प्रयास में ज़रूर थे अपनी जगह बनाने के लिए। इन्हीं में से एक ऐसे सिंगर थे जो ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रहे, हालांकि उन्हें काम भी कम ही मिलता था, लेकिन जब भी मिलता वो एक न एक हिट नंबर देकर दोबारा गायब हो जाते। ये सिंगर थे जॉली मुखर्जी, जिन्होंने एक से एक हिट गाने देने के बाद भी अपने 25 साल के करियर में केवल 20 गाने ही गा पाए। वेलकम टू पलट, तेरा ध्यान किधर है। जॉली मुखर्जी एक ऐसे टैलेंटेड सिंगर थे जो 10 साल की उम्र से ही किशोरदा और आरडी बर्मन जैसे महान आर्टिस्ट की छत्र छाया में रहे थे। जॉली मुखर्जी के भाई आरडी बर्मन के ग्रुप में गिटारिस्ट थे और वो खुद भी उनके ग्रुप में कोरस सिंगर के तौर पर जुड़े हुए थे। 1978 में रिलीज फिल्म जेल यात्रा के एक गाने की जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो उन्होंने आरडी बर्मन से इस गाने में कोरस का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की और फिर यहां से उनका सिंगिंग करियर शुरू हो गया। बचपन से ही आरडी बर्मन के इर्द गिर्द रहने वाले जॉली मुखर्जी एक अच्छे सिंगर थे, लेकिन जैसे कि वो खुद कहते थे कि आरडी बर्मन साहब के लिए भी शायद मैं घर की मुर्गी दाल बराबर ही था, इसलिए उन्होंने मुझे कभी ब्रेक देने पर विचार ही नहीं किया और अपने ही ग्रुप के एक टैलेंटेड सिंगर को नजरअंदाज किया, जिसके बाद 1988 में उन्हें पहली बार फिरोज खान और विनोद खन्ना की फिल्म दयावान में एज एन लीड सिंगर गाना गाने का मौका मिला था। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यहां से उनके फिल्मी करियर ने स्टार्ट तो जरूर पकड़ा, लेकिन कभी उनका करियर स्मूथली ट्रैक पर नहीं आ पाया। जबकि दयावान गाना के बाद भी नेक्स्ट ईयर यानी 1989 में जब उन्हें यश राज की फिल्म चांदनी में गाना गाने का मौका मिला तो वो गाना जिंदगी भर के लिए उनकी पहचान बन गया और गाना तो आप जानते ही होंगे। नॉर्मली जब किसी सिंगर का एक गाना इतना बड़ा हिट हो जाए तो 5-7-10 गाने तो यूं ही म्यूजिक डायरेक्टर उससे गवा लेते थे, लेकिन जॉली मुखर्जी का ये बैड लक ही कहिए कि चांदनी जैसा सुपरहिट गाना गाने के बाद भी अपने अगले गाने के लिए उन्हें 2 साल इंतजार करना पड़ा और फिर 1991 में उन्हें फिल्म साथी में गाना गाने का मौका मिला और यकीन मानिए इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया। 1988 में एक गाना, फिर 1989 में चांदनी में एक गाना, फिर 1991 साथी में सिर्फ एक गाना और फिर आया 1992 जब उन्हें 2 और फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला। ये फिल्में थी जैकी श्रॉफ की संगीत, और दूसरी फिल्म थी राजू बन गया जेंटलमैन। 5 साल में 5 हिट देने के बाद भी ना उन्हें कोई पहचान मिल पाई थी और ना बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उत्साहित दिख रहे थे। बॉलीवुड की प्रथा के हिसाब से ये अजीब जरूर था, जहां एक सिंगर जो पास्ट में इतने सुपरहिट गाने गा चुका हो उसे बूंद बूंद के हिसाब से भी काम नहीं मिल रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि साइड बाई साइड वो जिंगल्स गाते रहते थे। लाइफ बॉय सोप का फेमस एड आप सब ने देखा होगा और उसमें सुनाई देने वाली लाइंस, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, इस लाइन को भी जरूर सुना होगा। इस लाइन को गाने वाले भी जॉली मुखर्जी ही थे। जहां,
इसके अलावा वो बंगाली गानों में भी एक्टिव रहते थे, लेकिन अगर कहीं कमी थी तो वो थी बॉलीवुड में। कुमार शानू और फिर उदित नारायण जैसे सिंगर्स के रहते उस दौर में खुद को आगे लाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन एक क्रिकेटर भी जब एक सेंचुरी मार देता है तो एटलीस्ट 5 मैच तक उसके बुरे परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक एक्टर यदि एक बड़ी हिट फिल्म दे दे तो अगली 3-4 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी उसकी मार्केट वैल्यू में कमी नहीं आती। लेकिन जॉली मुखर्जी हर बॉल पर छक्का मार रहे थे, बावजूद उन्हें बैटिंग करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। फिर आए 1993, जहां उन्हें 2 और फिल्मों में एक एक गाना मिला। पहला था आईना फिल्म का और दूसरा था मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। अगर तू ना बनी हो मेरी साहिबा। ये दोनों फिल्में भले एवरेज रही थी, लेकिन जॉली मुखर्जी के गाए ये दोनों गाने आज भी याद किए जाते हैं, स्पेशली मेरी साहिबा। जॉली मुखर्जी जब आरडी बर्मन के ग्रुप में काम करते थे, तब एक बार आरडी बर्मन का एक प्रोग्राम होना था। ये एक बड़ा कंसर्ट था, लेकिन कंसर्ट के शुरू होने से पहले ही आरडी बर्मन का गला बुरी तरह से खराब हो गया। उन्होंने जो भी संभव चीजें हो सकती थी वो सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उनका गला ठीक नहीं हुआ। ऐसे में आरडी बर्मन चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। उन्होंने जॉली मुखर्जी को अपने रूम में बुलाया और जॉली मुखर्जी ये सोच के उनके कमरे की तरफ चले गए कि शायद आरडी बर्मन उनसे किसी मेडिसिन के बारे में पूछेंगे। लेकिन आरडी बर्मन ने उनसे जो कहा उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। आरडी बर्मन ने कहा कि तुम स्टेज के पीछे से मेरे गाने गाओ और मैं स्टेज पर लिपसिंग करूंगा। जॉली मुखर्जी को कॉन्फिडेंस तो था ही, लेकिन फिर भी आरडी बर्मन के लिए गाना किसी चैलेंज जैसा लग रहा था। आखिरकार जॉली मुखर्जी ने आरडी बर्मन की बात मानकर स्टेज के पीछे से उनके गाने गाए, जिस पर आरडी बर्मन ने लिपसिंग की थी। अब मुझे पसंद है ये गाना, तो बीच बीच में मैं डालता रहता हूं। एनीवेज, इसके बाद जॉली मुखर्जी को आतिश, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बेवफा सनम, जोश और राज जैसी फिल्मों में भी एक एक गाना मिलता रहा और फाइनली वो भी बंद हो गया। अगर हम उनका करियर ग्राफ देखें तो उनके 95% गाने सुपरहिट थे, लेकिन उसके बाद भी 2013 में उन्होंने सत्या 2 में आखिरी गाना गाया, जिसके बाद उनके फिल्मी करियर का अंत हो गया। यानी 1988 से 2013 तक इस 25 साल के करियर में सिर्फ 20 गाने गाने वाले जॉली मुखर्जी को शायद बॉलीवुड में कम आंका गया। वरना जिसका सुपरहिट गानों का रेशियो इतना अच्छा रहा हो वो 25 साल में 20 गाने ही कैसे गाता। खैर, रीजंस जो भी रहे हों, उनके कुछ सदाबहार गाने लोगों को हमेशा याद रहेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए